क्वेश्चन नंबर थ्री, इसमें थोड़ा सा चेंज है. अ कंपनी अगेन प्रोड्यूसेस थ्री प्रोडक्ट्स ईच ऑफ व्हिच मस्ट बी प्रोसेस्ड थ्रू. नाउ डिपार्टमेंट ए की होगी, एक डिपार्टमेंट से इनमें गुजरना है, लेकिन जो चीजें आपको गिवन दी हुई है वो है लेबर आवर्स इन रॉ मटेरियल जो कि रिक्वायरमेंट्स हैं. तो लेबर आवर्स जो है उनमें कहा हुआ क्या, उनके पास कितने 1500 है, एंड जो रॉ मटेरियल है वो उनके पास कितना है 3800 पाउंड ऑफ रॉ मटेरियल. तो हमने यहाँ लिखा हुआ है कि लेबर पर यूनिट, एक यूनिट ऑफ प्रोडक्ट वन बनाने के लिए कितनी लेबर चाहिए, 3 आवर्स प्रोडक्ट वन के लिए, प्रोडक्ट टू के लिए 2 आवर्स, प्रोडक्ट थ्री के लिए 4 आवर्स. कितना मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल्स कितने पाउंड, 10 पाउंड एक यूनिट के प्रोडक्ट वन के लिए, प्रोडक्ट टू के एक यूनिट के लिए 8 पाउंड और प्रोडक्ट थ्री के एक यूनिट के लिए 6 पाउंड चाहिए. ठीक है, तो आगे उनने कहा हुआ है कि इफ कंबाइंड द मंथली प्रोडक्शन ऑफ थ्री प्रोडक्ट्स शुड बी इक्वल टू, इसका मतलब है कि ये प्रोडक्ट इसके जितने यूनिट्स बना रहे हैं, इसके जितने यूनिट्स बना रहे हैं और प्रोडक्ट थ्री के, इन सबको मिला के कितने होने चाहिए, 500 यूनिट्स तो लाजमी होने चाहिए. ठीक है, डिटरमाइन वेदर देयर इज एनी कम्बिनेशन ऑफ द थ्री प्रोडक्ट. अब बताएं कि प्रोडक्ट वन, प्रोडक्ट टू और प्रोडक्ट थ्री कितने कितने बनाए कि हमारे पास जो ये वाला क्राइटेरिया है ये भी सारा यूज हो, ये भी सारा यूज हो और ये भी सारा यूज हो. अगेन x1, x2, x3 आर द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड ऑफ प्रोडक्ट 1, 2 एंड 3. ठीक है, अब लेबर आवर्स जो है प्रोडक्ट वन के लिए, वन यूनिट के लिए कितने लेबर आवर्स है, 3 आवर्स, तो x1 यूनिट के लिए कितने होंगे, 3x1. इसी तरह एक यूनिट और प्रोडक्ट टू के लिए 2 आवर्स है, तो x2 यूनिट्स के लिए कितने होंगे, 2 times x2. वन यूनिट ऑफ प्रोडक्ट थ्री टेक्स 4 आवर्स, एक यूनिट के लिए 4 घंटे लगते हैं, तो x3 यूनिट्स अगर हम बनाएं तो कितने लगेंगे, 4 times x3. और ये टोटल कितना है इसका, 1500 आवर्स हैं. तो हम सबको ऐड किया और 1500 के इक्वल लिख दिया. अब रॉ मटेरियल कितना है, एक यूनिट के लिए प्रोडक्ट वन के कितने मटेरियल लग रहा है, 10 पाउंड, तो x1 यूनिट के लिए कितना होगा, 10 times x1. इसी तरह एक यूनिट के लिए 8 पाउंड लग रहे हैं प्रोडक्ट टू के, तो x2 यूनिट्स बनाएंगे प्रोडक्ट टू के तो कितना लगेगा, 8 times x2. इसी तरह एक यूनिट ऑफ प्रोडक्ट थ्री के निकालने के लिए कितने चाहिए, 6 पाउंड लग रहे हैं रॉ मटेरियल के, तो अगर हम x3 यूनिट्स बनाएंगे तो कितना लगेगा, 6 times x3. और टोटल हमने कहा हुआ कि मटेरियल कितना है, 3800 पाउंड. तो वो सबको मिला के हमने इक्वेशन लिख दी है कि इन सबको मिला के कितना होना चाहिए, 3800. और फिर उसने कहा कि मंथली प्रोडक्शन जो है तीनों यूनिट्स महीने में कितने होने चाहिए, 500 यूनिट्स बनने चाहिए. तो ये तीन कंडीशंस को हमने सिस्टम की फॉर्म में लिख दिया, ये सिस्टम बन गया हमारा. अब इस सिस्टम को रीराइट करते हैं, x1 के कोफिशिएंट, x2 के कोफिशिएंट, x3 के कोफिशिएंट और ये राइट हैंड साइड. अब हमने इसके ऊपर रो ऑपरेशन करना है, इसको जीरो करना है, इसको जीरो करना है. r2 को कैसे जीरो करेंगे, r2 क्या है, 10, 8, 6 और 3800. अब 10 को जीरो करना है यूजिंग r1, तो इसको अगर मैं -10 से मल्टीप्लाई कर दूं पूरे रो को और -5000 इनको ऐड कर दें तो ये जीरो आ जाएगा, यहाँ से -2, यहाँ से -2 और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -1200. तो ये हमने यहाँ पे लिख देना है. अब 3 को जीरो करना है, तो अगेन 3, 2, 4 एंड 1500. अब रो 3 को लिखे, अब इस 3 को जीरो करना है R1 के साथ, क्या करूँ, अगर R1 को -3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, -3, -3, -3, -1500, तो ये 0, यहाँ से -1, यहाँ से 1 और यहाँ से 0, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया. तो अब नया सिस्टम बन गया, इसमें हमने इसको पहले 1 करना है, तो हम R2 को 2 से डिवाइड कर देते हैं, 0/2 -2 से, ताकि वो 1 आ जाए, -2 -1200/-4, तो यहाँ से कैंसिल होकर 0, 1, 2 और ये 300 आ जाएगा. हमने R2 की जगह पे वो लिख देना है 600 डिवाइड बाय 2 किया था, तो ये हमारे पास R2 आ गया. अब R2 को हमें यूज करना है
इसको भी जीरो करना है और इसको भी जीरो करना है। तो पहले हम आर वन की तरफ चलते हैं, आर वन 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 500। इसके साथ हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से आर टू, आर टू क्या है जीरो वन, तो माइनस करना है, माइनस करना है और माइनस करना है, क्या जाएगा वन जीरो माइनस वन और माइनस 100, ये हमारे पास आर वन आ गया। आर टू में हम क्या करने, आर थ्री और आर टू को ऐड कर देते हैं, तो ये हमारा आर टू है, आर थ्री कौन सा है जीरो माइनस वन वन जीरो, इसके साथ हम ऐड कर देते हैं आर वन को टू एंड आगे क्या था 600, तो ये आ जाएगा जीरो जीरो थ्री और 600, तो हमने आर थ्री की जगह पे लिख दिया। तो वन उसके नीचे सारे जीरो, ये वन इसके ऊपर नीचे सारे जीरो, अब इसको वन करना है और इसके ऊपर हमने जीरो करने, तो हमने पहले थ्री से डिवाइड किया तो ये बन जाएगा जीरो जीरो वन और 200, क्योंकि हम नीचे लिख देंगे जीरो जीरो वन और 200। अब इसके ऊपर हमने दो जीरो करने, इसको हमने जीरो करना है और इसको जीरो करना है, तो पहले आर टू में करते हैं, आर टू पहले लिख देते हैं जीरो वन टू और इसके आगे क्या था 600, ठीक है। अब हमें आर थ्री से आर थ्री को टू टाइम्स आर थ्री को सब्ट्रैक्ट करना, तो जीरो टाइम टू माइनस टू जीरो, जीरो टाइम माइनस टू जीरो माइनस टू और माइनस 400, क्योंकि हमने आर थ्री को माइनस टू से मल्टीप्लाई किया, तो ये जीरो वन जीरो 200 जो कि ये आ गया। अब आर वन हमारे पास था वन, आर वन क्या था वन जीरो माइनस वन, वन जीरो माइनस वन और माइनस 100 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस। अब हमने क्या करना है, आर थ्री को इसके साथ सिर्फ ऐड कर देते हैं, तो ये है जीरो जीरो वन 200 वन जीरो जीरो 100, तो हमने लिख दिया। अब देखें सारे वन के नीचे जीरो, वन के ऊपर नीचे जीरो, वन के ऊपर सारे जीरो, तो दैट मीन्स के सिस्टम में पहला जो x1 का सोल्यूशन है, दूसरा x2 का और तीसरा x3 का।